बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद खुलकर सामने आया अमेरिका, कर दिया ये बड़ा ऐलान। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल और अंतरिम सरकार के बीच हुए इस समझौते में कहा गया है कि अमेरिका सुशासन, सामाजिक, मानवीय और आर्थिक अवसरों की बेहतरी के लिए $202 मिलियन का अतिरिक्त अनुदान प्रदान करेगा। राजनीतिक उठापटक का शिकार हुए बांग्लादेश की मदद के लिए अब संयुक्त राज्य अमेरिका खुलकर सामने आ गया है। अमेरिका की तरफ से बांग्लादेश की आर्थिक और सामाजिक हालात में सुधार के लिए $202 मिलियन की अतिरिक्त सहायता राशि की घोषणा की गई है। शेख हसीना के सत्ता के हटने के बाद पहली बार बांग्लादेश पहुंचे अमेरिकी उच्च प्रतिनिधि मंडल ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करके इस सहायता की घोषणा की। यूनुस ने पिछले हफ्ते ही अपने टेलीविजन पर दिए संबोधन में अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए $5 बिलियन की अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील करते हुए कहा था कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था खराब दौर से गुजर रही है। यूक्रेन रूस संघर्ष के बाद से ही ईंधन और खाद्य आयात में हुई वृद्धि के बाद से ही हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। बांग्लादेश पिछले साल शेख हसीना के नेतृत्व में भी IMF से भी $4.7 बिलियन के बेल आउट पैकेज की मांग कर चुका है। अमेरिका पहले भी 425 मिलियन की दे चुका है मदद। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल और अंतरिम सरकार के बीच हुए इस समझौते में कहा गया है कि अमेरिका सुशासन, सामाजिक, मानवीय और आर्थिक अवसरों की बेहतरी के लिए $202 मिलियन का अतिरिक्त अनुदान प्रदान करेगा। ये 2021 के उस समझौते के समान होगा जिसमें अमेरिका ने 2021 से 2026 के बीच में कुल $954 मिलियन की सहायता का वादा किया था। इसमें से $425 मिलियन बांग्लादेश तक पहुंच चुके हैं। इस बैठक के बाद अमेरिकी दूतावास की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया गया कि हम न्याय संगत और बेहतर भविष्य के लिए बांग्लादेश का समर्थन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अंतरिम सरकार की तरफ से देश की अर्थव्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए अमेरिकी समर्थन मांगा गया था। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने भी इन तकनीकी और वित्तीय सहायता की पेशकश करते हुए इन प्रयासों का समर्थन करने की इच्छा व्यक्त की थी। प्रतिनिधि मंडल में डोनाल्ड लू भी हैं शामिल। बांग्लादेश पहुंचे अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल में दक्षिण एशिया मामलों के सहायक सचिव डोनाल्ड लू भी शामिल थे, जो आज अपना भारत दौरा समाप्त करके ढाका पहुंचे हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड लू को तख्तापलट करवाने वाला कहा जाता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सीधा डोनाल्ड लू के ही ऊपर आरोप लगाया था। तख्तापलट के कुछ ही दिन पहले शेख हसीना ने भी संबोधन में कहा था कि एक बड़ा पश्चिमी देश हमसे एक द्वीप मांग रहा है, नहीं तो हमारी सरकार को नहीं चलने देने की धमकी दे रहा है। बांग्लादेश में जब हिंसक प्रदर्शनों के बाद हसीना सरकार का तख्तापलट हुआ तो कई रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें अमेरिका का हाथ बताया गया।